क्या कि तुम घर छोड़ के जा रही हो? मेरी एक्साइटमेंट लेवल ना यहाँ से वहाँ पहुँची हुई है इस टाइम। नीचे पूरी की पूरी सीट्स खाली है। जैनब जो है पूरा अपना बेस्ट ट्राई कर रही है, लेकिन इसके बाल चली खोपड़ी, तो इसकी आधी मुंडी बाहर है इसकी। भाई ये तो जैनब पूरी आ चुकी है, सांस आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार आज जो है ना जैनब ने अपने कोई फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी शूवी प्लान की हुई है, कोई कार्टून चार्टून वाली देख के आते हैं, क्योंकि उसके साथ जाना है, तो देख के आते हैं कि कैसी वो फिल्म देख रही है। खाना शाना भी बाहर से खा लेंगे। और एक बहुत झकास न्यूज वो ये है कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए आप पी और अरीब भाई को कि फातिमा को भी अपने साथ दुबई लेकर जाए, फातिमा को भी अपने साथ दुबई लेकर जाए। तो फाइनली मैं जो है वो दुबई जा रही हूँ। आप ही ने जो है सुबह सवेरे मुझे कॉल करके बोला था कि इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, तो मैंने सोचा है कि ये गुड न्यूज जाके जो है नीचे पूरे घर वालों को देते हैं यार, और उनके रिएक्शन देखते हैं और पैकिंग शेकिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। होय फातिमा की आज स्माइलें चेक करो, क्या गुड न्यूज है। मामा मैं भी जो है वो दुबई जा रही हूँ आपके राबिया आपी और अरी भाई के साथ। वाह ये तो बड़ी खुशी की बात। मैं कहूँ फातिमा का रंग आज इतना लाल क्यों हो रहा है, किस कैसे जा रही हूँ, उन्होंने कह दिया। आपी ने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि फातिमा बस तू पैकिंग कर ले रातों रात, तू जा रही है कल, ये तेरे लिए एक सरप्राइज था। मम्मी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं भी जा रही हूँ, लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। हाँ आप लोगों ने कमेंट किए हैं, उनमें इतनी एनर्जी आई कि फातिमा, उसने मुझे कहा कि मामा को अपने तरीके से बता देना, राबिया को भी बता देना। मैंने कहा ठीक है, ये गुड न्यूज इनको मैं ही दूंगी। इन दोनों को कोई होश नहीं है दुनिया की, दोनों रेडी होकर जैनब को देखो अपने बाल गिरा के जलवा दिखा रही है। क्या मसला हो गया, क्या मसला हो गया, यहाँ टिकटॉक चल रही है दोनों की। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए एक गुड न्यूज है। क्या? एक झकास किस्म की गुड न्यूज है। क्या कि तुम घर छोड़ के जा रही हो, ये गुड न्यूज है यार। फाड़ के बेइज्जती कर देती है मेरी बहना ने मेरी। यहाँ हमारे लिए यही गुड न्यूज है। किधर जा रही हो? मैं भी राबिया के साथ दुबई जा रही हूँ। नो रिएक्शन। तुम भी साथ आ रही हो? हाँ। मैंने भी कही थी कोई आ जाए साथ। अब तो ज्यादा मस्ती करेंगे। गाइस एक दफा जैनब की शक्ल पे फोकस किया जाए। तू नहीं जा रही, तू हीरा के साथ अबू धाबी हो आई थी, और अभी हम दुबई नहीं अबू धाबी ही जा रहे हैं। मामा किसने कहा है? आप ही ने कहा है कि तुम। हाँ आप ही ने मुझे कॉल करके बोला थे। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। राबिया बस पैकिंग कर, इसकी शर्टें उतार, जो इसने कल हमें शर्ट्स दिखाई है ना इतनी ज्यादा, वो सारे लेके चलते हैं। ज्यादा प्लान सोचे थे और तुम। वैसे मैंने और जैनब खूब सारे इधर रह के प्लान सोचे, लेकिन आप ही ने मुझे बोल दिया कि मैं भी दुबई जा रही हूँ, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल ना यहाँ से वहाँ पहुंची हुई है इस टाइम। कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ जाओगे, हम जाके मस्ती करेंगे और रील्स बनाएंगे। एग्जैक्टली चल जैनब जल्दी जल्दी पहले मूवी तो देखा है जाके। छुट्टी अभी कल यहाँ से, तू दोस्ती इकट्ठी है मेरी तरह चला ना, मूवी देखा है उसके बाद दोस्ती इकट्ठी कर ले। इतनी खुशी में आज नाश्ता करना भी भूल गई, पकड़ो पियो शेक। एक्साइटमेंट इतनी है यार, मैंने कहा था जैनब के साथ मूवी शूवी देखने जा रही हूँ, वहाँ पे खाना खा लूंगी, लेकिन घर से जो है कुछ तो खा के जाते हैं। तो यार जैनब की जो है वो फ्रेंड्स आ गई हैं हमें पिक करने, मैं जैनब के साथ जा रही हूँ, तुम अपना निकल जाना। जाओ जाओ, मैं तुम लोग वहाँ से ज्वाइन करूंगी। तुम्हें बताऊँ जैनब ने ना कोई कार्टून वाली फिल्म दिखा रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ नाचोस पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक पीने जा रहा हूँ बस। और मेरा जैनब कार्टून खुद कार्टून है, खुद भी कार्टून देखती है। चल जल्दी चल मूवी के लिए लेट हो जाएगा। बाय बाय। हम लोग मूवी देखने जो है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमें जैनब की दो फ्रेंड्स ने भी कैचअप कर लिया है। हेलो गर्ल्स, कौन सी फिल्म देखने लगे हम लोग? डेडपूल। डेडपूल ये वाली जो है इन्होंने फिल्म दिखाने मुझे लाए हैं, ना मुझे इसका इल्म है, ना मैंने कभी इसका कोई पार्ट वन पार्ट टू या कोई भी पार्ट देखा है, ये दिखाने लेकर आए हैं। चलो भाई देख लेते हैं जाके कि ये फिल्म कैसी है। भाई ये सिनेमा की एंट्रेंस है भाई, पहले जो है बॉक्स ऑफिस से अपनी टिकट्स तो कलेक्ट कर लें। भाई फिल्म की टिकट विकेट जो है वो हमने ले ली हुई है, पहले फिल्म देखेंगे, उसके बाद यहाँ से पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेने आएंगे। पहले जो है कोई इन्होंने लाउंज करवाया है मेरा ख्याल है, देखते हैं वो कैसा है। ये जो हमने प्राइवेट लाउंज करवाया हुआ है ना, यहाँ पे हम आ चुके हैं यार, मतलब हमारे अलावा इधर कोई भी नहीं है। ये देखें नीचे पूरी की पूरी सीट्स खाली है, सामने मूवी चल रही है, चल ही नहीं रही अभी फिल्म चलेगी। खैर जो है बाकी लोगों का है प्राइवेट, जिन्होंने यहाँ पे बैठना है, और हम लोगों ने जो है चौधरी बन के ये वाली सीट्स बुक करवा ली, आराम से इधर बैठो और भाई मस्ती से पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेकर आओ और ठूसो से बैठो, और सामने आप भी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो भाई पूरी की तरह मैं यहाँ पे लेट गई हुई हूँ, अब मुझे देखते हैं मजे से आराम से चल करके, बस पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी हमारे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बॉटल्स वगैरह आ जाए तो मजा ही आ जाए। मूवी की मुझे एक अंदा समझ रही है, क्या कह रही हो? मैंने कहा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न लेकर आओ। मुझे जो है उधर से उठा दिया उस वाले लाउंज से, उन्होंने बोला कि हम किसी गलत लाउंज में बैठ गए थे। इतना कोई घटिया सिनेमा है ना यार, एक तो लाइट्स नहीं जली हुई पूरे इधर जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है, अब दूसरा हम लोग जो है
डर भी लग रहा है। अब कहाँ जाने है? अच्छा भाई ये वाला है हमारा कोई गाइस, मैं ज़ैनब और उसकी फ्रेंड्स के साथ जाना वो फिल्म देखने को आगे, लेकिन यकीन करें फिल्म मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है? और ऊपर से सिनेमा की स्क्रीन जो है ना वो इतनी कोई ख़राब है ना कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मूवी आधी गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला और अब इंटरवल भी आ गया। ज़ैनब कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले आओ, देख रहे हो तुम यहाँ पर फिल्म आई और ले फोटोज वगैरह रही हो अपनी, ये तुम ही लेकर आई हो बकवास फिल्म में। मूवी चल रही है और ये ज़ैनब हम यहाँ पे लेके आ गए। लाओ लाओ मेरे स्वीट पॉपकॉर्न थे, स्वीट 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 स्वीट, यम 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 यम, और मज़े से खाती हूँ मैं पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक। इतनी बोंगी मूवी थी यार कि हम लोग जो है ना फिल्म के बीच में, ये फिल्म यहाँ पे चल रही है उठ के ही जो है ना, अब हम बीच में ही हम फिल्म के जो उठ के है वो जा रहे हैं। मैं अपना खाना वाना पकड़ लेती हूँ साथ, पॉपकॉर्न एम ही नहीं है यार, इतनी कोई खास फिल्म नहीं थी। जहाँ से ज़ैनब की सारी दोस्तें भी उठ गई हैं वो भी जा रही हैं, निकलो यहाँ से बाहर, चलो चलो चलो। जिंदगी में मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि फिल्म चल रही है और बीच में छोड़ के आ जाऊँ, इसको जो है वो बीच में ही छोड़ के मैं जा रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को? इतनी मजे की मूवी थी हम छोड़ कर आ गए, लोग देखे हमने, हाँ इतनी अच्छी लगी है कि बीच में ही छोड़ के आ गए, चलो यार कोई खाना वाना खाते हैं, ये तो मूवी मेरे दिमाग से आउट थी। मोमेंट्स लेटर भाई दोस्तों के साथ वहाँ पे मूवी शूवी देखने के बाद अब हम लोग खाना खाने पहुँच चुके हैं, सारी फ्रेंड्स के साथ खाना ऑर्डर करते हैं। मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, पता नहीं क्या यार, तबीयत बहुत आवाज़ार हो रही है। और राबिया की भी कॉल आ गई हुई है कि उसने यहाँ पे दुबई की शॉपिंग करने आना है, साथ ही मॉल है तो उसको भी वहाँ से हम कैचअप करेंगे। तो भाई सर बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि एक कप जो है वो चाय पी ली जाए, चाय जो है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा आपका सर दर्द ठीक कर ही देती है। इतनी मीठी खाने में सबसे पहले जो है यहाँ पे आया है मज़ेदार सा चाउमीन, और उसके बाद ये आया है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, साथ में आए हैं ये एग फ्राइड राइस और इसके साथ ये चिकन चिली ड्राई, बहुत ही मज़े का नम 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 लग रहा है इसको खाते हैं। राबिया और मामा और हिरा जो है वो मॉल में आए हुए हैं, लेकिन वो किसी जगह पे फिर रहे हैं, हमें नहीं पता। अभी उन्होंने एक ब्रांड का नाम बताया, उधर हम चलते चलते ढूंढते हैं, ढूंढते क्या मुझे पता है, वो इधर पहुंचे हुए अपनी कोई दुबई की, उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो मैंने भी जो दुबई में कुछ चीज़ें या आउटफिट्स लेके जाने हैं तो मैं भी आज ही शॉपिंग कर लेती हूँ दुबई की। नाउ इट्स आवर टास्क है राबिया मामा और हिरा को जो है ना इस आउटलेट में हमने फाइंड करना है। मुझे वो लोग कह रही थी कि हम बिल करवाने वाली जगह पर खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रही, देखना मैम बिग फैन, सेल्फी मिलेगी मैम, सेल्फी मिलेगी, सेल्फी मिलेगी मैम, पब्लिक में आई हुई है, सेल्फी मिलेगी। बहुत ही घटिया गंदी, बहुत अच्छा लगा जाए आप बीच में छोड़ के आगे बीच में, मुझे नहीं ना लेके गए थे, ऐसे ही होना चाहिए। आप पहचानी नहीं जा रही हो दुबई की शॉपिंग है, फिर निकली हो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, अकेली कहाँ जा रही हो? मूवी शॉपिंग देख के। अस्सलाम वालेकुम, ये खाना ही रही है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल विंग्स जो है वो लेकर आई हूँ, घर जाके खाना, बहुत ही खट्टे और बहुत ही मिर्चों वाले हैं ये, घर जाके खाना, फिर मैं आप लोगों को भी ये विंग्स दिखाऊंगी। मैंने बाकी खाना बच गई थी पैक करवा लिया था कि मामा जी मैं घर आके आप लोगों को, मामा को इतनी भूख लगी है कि यहीं पे शुरू कर दी, टाइम नहीं है इसलिए ऐसे ही खाना पड़ेगा। आज रात जो है 12 बजे जो है वो निकल जाना है दुबई के लिए, निकल जाना है ना आज रात 12 बजे। मैंने भी यार, मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में बोला था कि इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया इसको कहते हैं लर्निंग, इसलिए ये पीछे लगाते हैं, इसको मेरे लिए होता है लर्निंग के लिए ना, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, इसको कहते हैं लर्निंग। अब वजारी वाले चेहरे हमारे यहाँ पे बने हुए, एक तो इतनी गर्मी है, हीरा जो है ना अब शॉपिंग करने रुक गई है, मामा कह रही है कार जाना है पैकिंग करनी है, राबिया बाजार ऐसे बकरी, ज़ैनब ऐसे बाजार, पसीने ओए होए होए पसीने बकरे सबको आ रहे हैं, हीरा आई नहीं रही, हीरा जल्दी आ जाओ। हाँ जी ऐसे तो बहुत गर्मी लगन डी है, अबू धाबी दे विच ऐस तो भी बहुती गर्मी है, ऐस तो भी बहुती, हमने कौन सा बाहर निकलना, अंदर ही रहे, होटल से थोड़ी रहना है, असि बाहर भी घूमना फिरना है, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ज़ैनब यहाँ पे उसको कॉल पे कह रही है गाड़ी तो खोल दो इरापी, गाड़ी तो खोल दो, क्योंकि मेरी मामा और मेरी बहन जो बेचारी राबिया है वो नीचे इधर बैठी हुई है फुटपाथ पे ही बैठ गई, ओह गॉड इतनी गर्मी। तो गाइस मैं भी अब इनके साथ ही बैठ रही हूँ नीचे, मरता क्या ना करता जमीन पे ही बैठ जाता है, हाय 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 हाय। वैसे जो जमीन पे बैठने का मजा है ना वो किसी सोफे बेडशीट पे नहीं है, मतलब चस आ जाती है यार। हाँ जी ज़ैनब भी यहाँ पे जमीन पे बैठ गई, आके थक के हीरा का इंतजार करके, हीरा नहीं आई, हीरा आएगी ना, ये जूता उतर नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी उतरे ताकि मैं उसको पीट सकूँ। मम्मा लगाए इसको जूती, इतनी देर से मैं आपके सामने ये इतनी शॉपिंग करने बैठ गई है यार अपनी, तो
दुबई उन्होंने जाना है, हमने जाना है या तुमने जाना है? पागल सी, बैठो सारे गाड़ी के अंदर। हीरा कैसे लगे हैं वो विंग्स जो मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आई थी? बहुत मजे के। मामा जी दिखाएं जरा विंग्स की शक्ल। खाने दे बहुत खट्टे और बहुत ही मजे के हैं। हीरा एक तो तू अद्धा घंटा जड़ा है गया वो शॉपिंग से ला के आई है। अब आते साथ जो है तुमने गाड़ी में खाना स्टार्ट कर दिया। यार जल्दी घर को मुड़ जाओ यार, लेट हो रहे हैं, घर भी जाना है, 12 बजे फ्लाइट है आज। चलो यार जल्दी जल्दी घर पहुंच गए, बहुत सारे हम लोगों को पैकिंग शैकिंग करनी है। दरवाजा खड़काते हैं यार, घर पे सिर्फ हेल्पर है, वो खुलेगी फौरन से, खुल गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे रह गए, पैकिंग करनी है, जल्दी आओ। हाँ ना, मुझे भी किसी तरह ले जाओ। चल एक काम करते हैं, अगर तू बड़े सूटकेस में पूरी आ गई ना तो तुझे भी सूटकेस में पैक करके ले जाओ। फातिमा आ ही जाऊंगा लेकिन मुझे लेकर जो गलत बात है, सब जा रहे हैं। अच्छा अगर तू सूटकेस में पूरी आ गई ना तो मैं ट्राई करूंगी कि एयरपोर्ट पे चेकिंग ना हो। अच्छा मेरे फूफे का एयरपोर्ट है ना मेरा, तो फिर तुझे एयरपोर्ट में वो सारी बैग में फंसा के ले जाऊंगी, बड़ा सा सूटकेस लेकर आ। टैडिंग 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 टैडिंग। जरा मैंने एक बात सुनी है। बता दिया इन्होंने तुम्हें भी? तुम भी जा रही हो? हाँ जी मैं भी जा रहा हूँ। गलत बात है, मुझे अकेला छोड़ के अब सब जा रहे हैं। ज़ैनब भी तुम्हारे साथ ही है। लेकिन मामा नहीं है ना, बात ही है ज़ैनब की बात नहीं है। जा रहे हैं ना तुम दोनों होकर नहीं आई हो, पहले मस्ती करके आई हो। पर मामा तो नहीं ना है साथ हम लोगों के, ये गलत बात है, मुझे भी साथ लेके दो दिन मुझे भी लेके जाओ। मस्जिदा फिर आ जाए तो तुम गड्डिया ले आ जाओ। तो मामा थी? अरे इधर अरे बात करी, घर पे तो अकेली मम्मा के बगैर रहूंगी नहीं। ये क्या कंपलसरी है कि जहाँ माँ होगी वहीं जो है वो घर होगा? चलो ठीक है, माँ ना हो बेकादी बहन ही हो जाए। ज़ैनब ऐसे ही 2 बहनों का जितनी एक बहन, तुम अभी उसे भी लेके जा रही? नहीं नहीं वो नहीं जा रही, तुम और ज़ैनब जो है वो घर है। बस ज़ैनब देख होश से आ जा, तू तो मर गई है न्यूज सुन के। इनको जाले दो, मैं अपने अलग से मजे करेंगे। ओके बस ज़ैनब को देखते सूट कैसे पूरी आ जाए तो ले चलेंगे। चलो भाई ट्राई करते हैं कि किसी तरह ज़ैनब इस बैग में पूरी आ जाए। ज़ैनब आई स्वेयर अगर तुम इसमें पूरी आ गई ना तो तुम्हें मैं दुबई ले जाऊंगी। अच्छा टिकट तुम्हारा पापा कराएगा? करा लूंगी, हम अगले दिन चले जाएंगे तेरी वजह से, तू इसमें बस पूरी आने की कर। मैं आ जाऊंगी पूरी। चल आजा ट्राई कर। ज़ैनब जो है पूरा अपना बेस्ट ट्राई कर रही है कि वो किसी ना किसी तरह इसके अंदर चली जाए। एडजस्ट हो जरा, बस जरा बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। पूरी आ रही है? नहीं नहीं इसे हो जाएगी बंद? नहीं हो रही? नहीं हाँ हो रही है, हो रही है, हाँ हो गई है बंद अब। लेकिन इसके बाल चली खोपड़ी तो इसकी आधी मुंडी बाहर है इसकी। ओए हाँ ज़ैनब पूरे सूट कैसे पूरी आ गई है यार। भाई ये तो ज़ैनब पूरी आ चुकी है, सांस आ रहा है? आ रहा है? बंद कर दूं ज़िप? रख लूं एक सूट कैसे? ये फिट हो गया है भाई। ज़ैनब भी जा रही है हमारे साथ, लेकिन ऐसे ये देखो वाह ज़ैनब भी जा रही है। फातिमा उसे निकालती है निकल नहीं बाहर, तुमने वखरे अपनी शरारतें शुरू कर दी है। निकल रही निकल रही। ये क्या वो तो निकल ही आई है बाहर खुद ही जाओ दुबई छुट्टी करो। अच्छा है कि टैची सारे तोड़ ही दिया, जल्दी करो निकलो लेट हो रहे। चलो चलो तुम भी बस खाना खा लो, टैची में तुम्हें भी फिल करके देखो। हीरा कह रही है चाची ने फिल करके लेके जाना था, मैं नहीं जा रही, इज्जत नाल लेके जाना था लेके जाओ, एनी बेस्ती नाल नहीं, मैं ऐसे नहीं जाना। बच्चों जल्दी जल्दी उठ जाओ, पैकिंग कर लो, 12 बजे घर से निकलने, 10 बज गए हैं यार। आप लोगों को यहाँ खाना खाने की पड़ी हुई है, खाना प्लेन में भी मिल जाएगा, प्लेन में मिल जाएगा खाना, कोई बात नहीं, पैकिंग करना स्टार्ट करें जल्दी से। पापा इतनी जल्दी किस चीज गया तुम्हें? जब जहाज उड़ गया ना तो फिर मत कहना मुझे। जहाज उड़ गया तेनु कार छड़ गया? ऐसे नहीं, चल बेटे अंदर से बाहर निकल आके सो गई अंदर, ऐसे नहीं जाना, बार बार टैची के अंदर जा के लेटी जा रही है। अभी कह रही है कि मैंने नहीं जाना और फिर बार बार जो है ना सूट। मैं मर जावा बेड़ा तरजे। गाइस सब जो है ना राबिया के चैनल को कर दे अनसब्सक्राइब। क्या मतलब अनसब्सक्राइब भी सब्सक्राइब करें? हाँ सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और रिश्तेदारों ने जो है हमारे चैनल को कर रखा है अनसब्सक्राइब। सोनी शर्ट है यू ते अनसब्सक्राइब लिखे आया था, जरा अच्छी नहीं लग रही। तो मामा पीछे कह रही है रिश्तेदारा जी तू बाट लाई रखा कर 24 घंटे। सीन अब कुछ ऐसे है कि यार जब पता हो कि रात में फ्लाइट है और मामा जो है सलोन जाके जो है हेयर कलर नहीं लगवा सकती थी, तो इसलिए मामा ने कलर घर पे ही मिक्स कर लिया और मैं मामा के बालों पे कलर लगाने लगी हूं। टडिंग 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 टडिंग। ओ मेरी ब्यूटीफुल मम्मी, ओ मेरी ब्यूटीफुल मम्मी, ओ मेरी प्यारी मम्मी। मुझे जो है वो कलर वाली ड्यूटी से हटा के ना मामा ने हीरा को बिठा दिया हुआ है। क्यों मामा? हीरा तुम फातिमा गंदा लगा रही थी, मैंने जाना है तेरे चक्करों में रह के, मैं यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं उसे ऊपर बैठ के लगवा रही है। वो अच्छा लगा वो मैं टीम लगाना ही दो। ये हीरा का कोई आउटफिट निकला हुआ लंबा सा अबाया लग रहा है हीरा, ये तो बस कैसा ये ड्रेस है जलवा। तुमने नहीं जाना साथ दिखाना हीरा कैसा लगेगा? मामा को देखो जरा, इसे कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया, पूरे का पूरा ब्लू शॉपर सर पे लगा ली। मार क्यों रही हो यार? मार क्यों कपड़े तय पैकिंग करवाओ भाई, मामा अपने जोड़े वोड़े रख रही है सारे पैक कर। पुकी पुकी पिंकी पोकी, रा मामा को देखो, मामा को तो देखो, पिंकी पोकी पिंकी पोकी 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 स्पाइडर मैन इश्क।
स्पाइडरमैन। मुझे इतना ज्यादा पिंकी तुम लोगों से वहां जाके बात ही नहीं कर। पिंकी पॉकी। गाइज मैंने आप लोगों के साथ भी एक छोटा सा प्रैंक किया है, वो ये कि मैं जो है इन लोगों के साथ अबू धाबी नहीं जा रही। मैंने छोटा सा प्रैंक किया था। ये क्या है कि आप ही ने मुझे कॉल करके क्या कोई नहीं कहा, घर वालों से भी झूठ बोला था। अब जो है ना उन लोगों को पता चल चुका है। सॉरी तो पहले बता ना मुझे आप ही ने बता दिया कि ये सब झूठ बोल रही है। इतने ड्रामे फातिमा, इतनी फेकनेस से मुझे एकदम से शॉक लगा था। खुशी हो रही है, अच्छी बात है नहीं जा रही तुम। मैं भी खुश हो रही थी, चलो सारे इकट्ठे चलेंगे। मामा यार मेरा दिल था कि आप लोगों के साथ हल्का सा प्रैंक कर लूं कि मैं जा रही हूं, मैं नहीं जा रही। मुझे किसी ने सुला नहीं मारी, कोई ऐसा नहीं है मैनू लेके जाए। चलो कोई बात नहीं यार, प्रैंक खत्म कर दे हुन सी जाने। पैकिंग कराओ मम्मा के साथ जल्दी से। पता चल चुका है भाई घर वालों को कि नहीं जा रही, तो खैर दफा कराओ यार। आप लोगों को भी बता दिया कि मैं नहीं जा रही, मैं तो मजाक कर रही थी, हमें दिल खुश कर रही थी अपना। पापा वैसे बंदा झूठा हो लेकिन तुम्हारे जैसा ना हो। इतना झूठ कि मैं अपने दिमाग में सोच के रील्स बैठी थी कि ये बनाऊंगी। चल कोई नहीं है, मापी के साथ बना रही रील्स जिसके साथ तू जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत गलत बात है, इतना इस टाइम पे ऐसा झूठ नहीं बोलते हो। चल चल तू अपनी अकेली की पैकिंग कर, यहाँ पे अपनी पैकिंग चेकिंग कर रही है, तुम जाओ अकेले, मैं तो मजाक कर रही थी। पता लग गया मुझे, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। पहले तो तुझे हगी भी नहीं देती, अब तेरा क्यों तो यहीं रह रहा। अब तेरे साथ शिफ्ट हो जाता हूं मैं, नहीं जा रही। लोगों ने कमेंट जरूर किए थे मेरे हक में, आई लव यू यार, मतलब आप लोगों को ख्याल था मेरा, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं नहीं जा रही। चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। घर वालों के साथ भी जो है प्रैंक रैंक कर लिया और आप लोगों के साथ भी कर लिया। इसी के साथ जो है इस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, जहां पे जो है मैं अपनी मामा को गुड बाय बोलती हूँ ट्रिप पे भेजने के लिए।